দুয়ারিয়া গ্রামে তুহিনের অতিথি হয়ে বেড়াতে এসেছেন ফিরোসাল। গ্রামের মানুষ তার জন্য আয়োজন করেছেন নানান পদের দেশি খাবার। And I think that's excellent. I think we should do village tourism in Bangladesh. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक बहुत खूबसूरत किस्म के गांव ग्राम की, ग्राम गांव की, जिसका नाम है दुरिया। और वहाँ पे जो टूरिज्म है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कि हर महीने बड़ी तादाद में जो जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और उनको इतना पसंद आ रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश में आके बांग्लादेश के लोगों को देख के, और स्पेशली जो गांव का माहौल है वो इतना इंजॉय कर रहे हैं कि वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया है। और काफ़ी जो लंबे अरसे के लिए जो है वहाँ पे जो है उन्होंने अपना ठीक है एक रेजिडेंस जो है बना ली है बांग्लादेश के गांव को। यार डैट इज़ अमेजिंग। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन टूरिस्ट की वजह से जो बांग्लादेश के ये गांव जो हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं लाखों रुपए कमाने के अहल हो गए हैं, मतलब लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए यानी टकास कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो काफ़ी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि टूरिज्म के थ्रू आप लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी अच्छी खासी इनकम है जो जनरेट हो जाती है, जो स्पेशली यहाँ पे ठीक है टूर गाइड जो होता है स्पेशली उनको काफ़ी अच्छी खासी जो पेमेंट है उनकी बन जाती है। सो इस हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेश में टूरिस्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे जी एक अमेरिकन खातून है जो कि बांग्लादेश की इस दुरिया ग्राम में आई हुई हैं और यहाँ पे आके वो इस माहौल को कितना इंजॉय कर रही हैं। अभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी उनका क्या कहना है बांग्लादेश के हवाले से, उनको उनके क्या जज्बात हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा जो गांव है और ऐसे लोग जो है मैंने कभी नहीं देखे, सीरियसली। अभी मैं आप लोग से रिपोर्ट शेयर करूंगी और आई एम श्योर आप लोग देख के बहुत हैरान रह जाएंगे उनका स्टेटमेंट सुन के। वेल बिना टाइम वेस्ट किए हम ये रिपोर्ट देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जी लाजमी लाइक किया करें। सो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। एक दुआरिया ग्रामे जाफर तुहिन, धरा बाधा कोनो चाकरी नहीं तार, तबे मासेर शेषे रोजगार हय लाख टाका। विदेशी अतिथिदेर ग्रामे ग्रामे घुरिये ए लाख टाका रोजगार करें तिनि। একদুয়ারিয়া গ্রামে তুহিনের অতিথি হয়ে বেড়াতে এসেছেন 70 বছর বয়সী আমেরিকান পর্যটক ভিকি রোসাল। গ্রামের মানুষ তার জন্য আয়োজন করেছেন নানান পদের দেশি খাবার। তবে ভিকি নিজেই বসে গেলেন রান্নার আয়োজনে সহযোগিতা করতে, এমনকি গাভী থেকে নিজ হাতে দুধ দুয়ে নিয়ে এলেন তিনি। বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের আতিথেয়তায় মহা খুশি ভিকি রোসাল। লাইক লার্নিং, আই এম ভেরি কিউরিয়াস অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড and I am learning a lot. It's very different from my country. Any country I go, I like to go to the villages. I was just in Nepal. I went to the mountain villages. The city is crowded, but is more similar to my country. And in the villages, I learn the customs and I meet the real people. Any country, I like to go in the villages and see the customs and the beliefs and the traditions of the local people. So that is my kind of travel. And I think that's excellent. I think we should do village tourism in Bangladesh. তুহিনের মতে বাংলার সত্যিকার জীবনের স্বাদ পেতে অনেক পর্যটকই গ্রামে আসতে চান, কিন্তু দেশে গ্রামীণ পর্যটনের তেমন সুযোগ না থাকায় বাংলার আসল রূপ উপভোগ করতে পারছেন না পর্যটকরা। আমাদের সত্যিকারের টিপিক্যাল জীবনযাপন এটার সাথে ওরা অভ্যস্ত হতে চায়, এটা জানতে চায়, কিন্তু এদেশে তেমন সুযোগ নেই গ্রামে যাওয়ার।
ভাবলাম যে আমি যদি গ্রামীণ পর্যটন নিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে আমার গ্রামের যে কমিউনিটি ওদেরও একটা হেল্প হলো এবং বিদেশি পর্যটক যারা গ্রামে যেতে চায় ওদের জন্য একটা সুযোগ করে দেওয়া হলো যেন বাংলাদেশের গ্রামটা দেখতে পারে। সেই থেকে আমার শুরু করা গ্রামে আমার এখানে কিছু ফ্যামিলি এসেছিলো নিউজিল্যান্ড থেকে, ইংল্যান্ড থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে। এখন মোটামুটি অনেকেই সাড়া দিচ্ছে, এমনকি খুবই গর্বের বিষয় একটা যে একজন পর্যটক বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছে রিসেন্টলি এবং উনি শুধুমাত্র গ্রাম দেখতে আসতে যাচ্ছে। শুধু ভিকি রোসালি নন, গত 6 মাসে অন্তত 30 জন বিদেশি পর্যটককে একদুয়ারি গ্রামে নিয়ে এসেছেন জাফর তুহিন। গ্রামের মানুষও সাদরে গ্রহণ করছেন ভিনদেশিদের। তারাও আমাদের গ্রামে এসে অনেক অনেক মজা উপভোগ করে, কিন্তু আমাদের সাথে অনেক মেলামেশা করে, এই কারণে আমরা খুব খুশি। ভিনদের কল্যাণে আমাদের এই গ্রামটা এখন মোটামুটি সারা বাংলাদেশ বললে ভুল হবে, সারা পৃথিবীতে এখন একটি পরিচিত নাম। ওনাদের জন্য কোনো বিশেষ ধরনের ওয়েস্টার্ন কোনো খাবার রান্না করা হয় না, আমরা গ্রামে যে সাধারণ খাবার তাই তারা খায়। তাছাড়া আবার ফসলের মাঠ, এই মাঠের মধ্যে খেলাধুলা, মানে সবই এলাকার মানুষের সাথে, মানে এলাকার মানুষ যা করে তারা সবই আমাদের সাথে করে, খাওয়া দাওয়া, ঘোরাঘুরি। বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যটন নিয়ে আরও নতুন উদ্যোক্তা হবে, পাশাপাশি বিশ্বের বুকে বিশেষ স্থান পাবে বাংলাদেশ, এমনটাই আশা করছেন তুহিন। বিদেশি পর্যটককে একটা কারণ দিচ্ছি বাংলাদেশে ভ্রমণ করার, এইটার জন্য আমি খুবই গর্ববোধ করি এবং আমার গ্রামের যে লোকজন ওদের অনেক হেল্প হচ্ছে। এখানে এসে সত্যি বলতে কি একটা চিপসও যদি কিনে একটা পর্যটক, সেটাও আমার গ্রামের কমিউনিটি হেল্প হচ্ছে। এই জন্য গ্রামের যারা এখানে সাধারণ জনগণ ওরাও খুবই খুশি, এখানে পর্যটক আসছে ওরা খুবই উৎসুক এবং ওরা খুবই এক্সাইটেড ওদেরকে দেখতে। সবাই অনেক অতিথিপরায়ণ, অনেক ইনভাইটিং সবাই। এখানে কোনো পর্যটক আসলে অনেক সময় দেখা যায় আমি থাকি না, কিন্তু গ্রামের যারা ইয়ং একটা ছেলে আছে, মেয়ে আছে, ওরা নিজেরাই নিয়ে ঘুরতে বেরোয় পর্যটকদের। যারা বাংলার গ্রামীণ জীবনের স্বাদ নিতে চান তাদের জন্যই তুহিনের এই প্রয়াস। ইউরোপ, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে তার অতিথিরা। দিন দিন যেমন তার পর্যটক বাড়ছে, ঠিক তেমনই বাড়ছে তার আয়ের পরিমাণ। পর্যটকরা বাংলাদেশে আসলে আমরা ওদের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করছি না, ওরা বিনিময়ে, ওরা যে অর্থ খরচ করছে এই দেশে, এর বিনিময়ে কোনো কিছুই নিচ্ছে না। এটা এদেশের জন্য একটা বড় রেমিটেন্স, এদেশের অর্থনীতিকে যেমন হেল্প করছে তেমন গ্রামীণ যেই কমিউনিটি এই কমিউনিটাকে হেল্প করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন সময় ঢাকার একটি রেস্তোরাঁয় চাকরি করতেন তুহিন। সেখানে এক বিদেশির সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তার পর্যটন ব্যবসায় আসা। তুহিনের ট্যুরিজম ওয়েবসাইট তাবু ট্যুরের মাধ্যমেই বিশ্বের নানা দেশ থেকে পর্যটকরা খুঁজে বের করেন তুহিনকে। এই বিদেশি অতিথিদের জন্য নিজ গ্রামের বাড়িতে চালু করেছেন হোমস্টে সেবা। ओके जी, वीडियो आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी बांग्लादेश में अमेरिका से आई हुई ये खातून, इनका बांग्लादेश में क्या एक्सपीरियंस रहा इन्होंने वो तो शेयर किया। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो इस गांव के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जो गैर मुल्की टूरिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, वो वहाँ पे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है लोगों की जानिब से शो की जाती है और वो लोग काफ़ी जो है उनसे मिल के उनको देख के जो है खुश होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इनकी वीडियोस भी बना रहे हैं और इनकी वीडियोस के थ्रू लाइक यूट्यूब पे वो लगाते हैं और उससे भी वो अच्छी खासी जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वेज में जो है अच्छी खासी अर्निंग जो है इस गांव को हासिल हो रही है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छी प्लेस जो है उसको बनाई हुई है स्पेशली टूरिस्ट के लिए और काफ़ी अच्छा उनको जी किया जाता है, उनकी मेहमानदारी की जाती है। अब यहाँ पे जी इन खातून का क्या कहना था कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी कंट्रीज़ के जो विलेजेस हैं वहाँ पे गई हूँ और मैं हर कंट्री की जो सिटी लाइफ से ज़्यादा मुझे विलेज लाइफ में जाना पसंद करती हूँ, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के लोग हैं, जो माहौल है, ऐसे लोग मैंने कभी देखे ही नहीं हैं।
और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इतने अच्छे लोग, इतनी मोहब्बत करने वाले, इतने हॉस्पिटेबल लोग मैंने पहली बार देखे हैं और वो इतनी खुश हैं सीरियसली बांग्लादेश के इस गांव में आके, और काफ़ी देर के लिए जो है वो यहाँ पे मुकीम हो गई हैं और यहीं की जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, इंजॉय कर रही हैं। और यहाँ वो ठीक है खाना भी बनाती हैं, ठीक है नेचुरल बिल्कुल प्योर किस्म की जो फूड है वो भी इंजॉय कर रही हैं, और अपनी मर्ज़ी से ठीक है काफ़ी चीज़ें हैं वो करती हैं, और साथ ही जो ठीक है और वो जो दूसरे काम है ना लाइक भैंसों के काम वो भी करने में लगी हुई हैं। तो मुझे देख के ठीक है मैं भी काफ़ी सरप्राइज हुई कि यार कितना शौक है उनको ये सब कुछ करने का। ठीक है बड़ा मज़ा आया यार मुझे देख के, और बड़ी खुशी हो रही है कि बांग्लादेश में यार कोई ऐसी अब चीज़ें हो रही हैं कि आगे जो टूरिज़्म है बांग्लादेश में उसको इंक्रीज़ करने के लिए काम हो रहा है बाकायदा, और इस पे जो एक टीम है वो भी तैयार की गई है जो कि बांग्लादेश के डिफरेंट विलेजेस में टूरिज़्म के लिए काम करना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है तो यहाँ पे इन खातून के रिमार्क्स सुन के बांग्लादेश के हवाले से आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या इस गांव में रहते हैं या नहीं रहते, आप लोग लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी आप लोग लाजमी लाइक करें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।